हाल में ही सिंगर एवं म्यूजिक डायरेक्टर चांद साधवानी की भक्तिमय म्यूजिकल एल्बम हरी बोल को बॉलीवुड की विख्यात म्यूजिक कंपनी टी सीरीज ने लॉन्च किया है। इस गीत को भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ चांद साधवानी ने भक्ति भाव में डूब कर गाया है। डॉक्टर पुष्पा शर्मा के साथ स्वयं चांद ने इस गीत को लिखा है। एल्बम के रिलीज के अवसर पर मुख्य अतिथि प्रसिद्ध संगीतकार दिलीप सेन उपस्थित थे, जिन्होंने अनूप जलोटा व चांद साधवानी के साथ मिलकर एल्बम को रिलीज किया। इस एल्बम को अनूप जलोटा के घर में फिल्माया गया है, जिसके डीओपी मुकेश शर्मा और एडिटर कैलाश दास हैं। बतौर संगीतकार चांद साधवानी ने हिंदी फिल्म जाने क्यों दे यारो, मराठी फिल्म शॉर्टकट, बंगाली फिल्म स्ट्रीट लाइन, छोटे छोटू मेम साहा व ट्रोई, बंगाली एल्बम सिंग्रेचर, इंडियन पॉप सुन, अल्ट्रा बॉलीवुड द्वारा जारी एल्बम तेरे बिन तू ही यू था और सरिता जोशी अभिनीत हिंदी शॉर्ट फिल्म खलीस के गीतों को सुर मधुर धुन से सवारा है। आपको बता दें कि चांद साधवानी बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की बड़ी फैन है, इसलिए उन्होंने सुपरस्टार एल्बम की रचना कर अमिताभ को समर्पित की है, जिसे उनके यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है। कॉमन फैक्टर है, ये भी कृष्ण की भक्त है, मैं भी कृष्ण का भक्त, कॉमन फैक्टर। तो कृष्ण ने हुक्म करा तो इन्होंने लिखा और म्यूजिक बनाई और गाया, और हमको भी हुक्म आया होगा कि चांद आपको कांटेक्ट करने वाली है बहुत जल्दी और आपको गाना है, तो हमने गा दिया और गा के बड़ा मज़ा आया, क्योंकि जो पूरी रूपरेखा इसकी है वो बहुत सुंदर है। जिस तरह हरे कृष्ण मूवमेंट हो रहा है ना, लोग अमेरिका में, इंग्लैंड में रोड पे निकल जाते हैं और पूरा ग्रुप लेकर हरी बोल डांस करते हैं, गाते हैं, ये वो रंग है कि पूरा समर्पण जो है कृष्ण की ओर वो इसमें नज़र आता है। तो मुझे चांद की जो भक्ति है वो बहुत भाती है और मैं समझता हूँ कि मैं भी उससे प्रेरित हुआ हूँ, मेरे अंदर भी वो फीलिंग आई जिस तरह से गाती हैं, तो मैंने भी आनंद लेके गाया, बहुत मज़े लेके गाया। और टी सीरीज में इन्होंने कहा रिलीज करना, मैंने कहा हो जाएगा, भी हो गया रिलीज। ये इस तरह की चीज़ें तो कोई भी म्यूजिक कंपनी ग्रैब कर लेगी, क्यों छोड़ेगी। तो टी सीरीज ने बिल्कुल फटाफट रिलीज़ किया और जन्माष्टमी के टाइम पे रिलीज़ किया, बहुत अच्छे टाइम पे रिलीज़ किया। इनको पता भी नहीं था, इनको एक मैसेज आ गया, लीजिए जी आपका प्रोमो आ गया, तो बहुत अच्छे समय से हो गया। और मैं इसके लिए सभी कृष्ण भक्तों को बधाई देता हूँ कि इतना सुंदर भजन आप लोगों को प्राप्त हुआ। बहुत बड़ा मौका है मेरे लिए, बहुत ही बड़ा मौका, क्योंकि लाइक आई सेड अर्लियर कि ये ड्रीम का ट्रू मोमेंट है कि अनूप सर मेरी धुन पर अपनी आवाज़ दे रहे हैं। ये एक न्यू कमर क्या इससे ज़्यादा क्या चाह सकता है, और ऐसा हुआ, मेरा सपना पूरा हुआ, तो मैं अति डेली लाइफ में हमें यही काम आता है भगवान का जप, ऑफकोर्स सब इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, पर जब हमें शक्ति मिलती है तो भक्ति गीत से शक्ति मिलती है। भक्ति संगीत जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट है, जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ने जाते थे ना, तो एक सब्जेक्ट कंपलसरी होता था, बाकी ऑप्शनल होते थे। तो ये कंपलसरी म्यूजिक है कि सुबह उठ के सुनना ही सुनना है हर एक ने। सुबह उठ के कोई माइकल जैक्सन को सुनता है क्या? कभी किसी ने सुना कि उसने हनी सिंह का गाना सुबह 6 बजे लगाया हो? अरे भाई, सुबह उठ के जो असली हनी है वो तो भगवान का ही नाम है, वो असली शहद है। इसलिए यही परमानेंट म्यूजिक है, बाकी आएंगे जाएंगे, नई नई स्टाइल आएगी हर चीज़ की, लेकिन ये तो वही रहेगा, कृष्ण का नाम वही रहेगा, राम का नाम वही रहेगा, बाकी म्यूजिक डिफरेंट आएंगी चली जाएंगी। अब कितने सारे सिंगर्स इस बीच आए चले गए, लेकिन भजन अपनी जगह स्थापित है। आप सोचिए 45 साल से लोग ऐसी लागी लगन सुन रहे हैं, आज भी वैसे सुनते हैं, मैया मोरी मैंने माँ कन पायो, पायो जी मैंने राम रतन कन पायो, क्यों सुनते हैं? क्योंकि ये परमानेंट चीज़ है। हरी बोली है हमारे साथ, और जो इस बच्ची ने काम किया है,
भजन कह लो या सॉन्ग कह लो विद द लेजेंड एट सच अ यंग एज. जब इसने मुझे बताया तो मैं खुद हैरान थी. मैंने कहा क्या बात है. जैसे नाम है इसका चांद, तो ये वही ऊंचाइयाँ छूने की उसी रास्ते पे है. चांद को कहते हैं ना, चांद को हासिल करना कोई मजाक नहीं है. और इतनी सी उम्र में इसने वो भी हरी बोल से शुरुआत की है. माय बेस्ट विशेस ऑलवेज एज अ बड़ी बहन इसकी, मैं हमेशा इनके साथ हूँ. और मैं चाहूँगी कि तुम बस ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करते रहो, बिकॉज आज की जेनरेशन, ये आज की पीढ़ी है, और ये पीढ़ी को ये संस्कार और ये सोच मुश्किल है. और जो ये मैसेज दे रही है आज की जनरेशन को, वो बहुत बड़ी बात है. मैं यही बोलना चाहूँगा कि मेरी चांदी से बहुत ज़्यादा संपर्क नहीं है. मैं इनसे जब ये शूट कर रहे थे तब एक बार मिला था, तब अनूप जी से बात हुई थी मेरी. और अनूप जी का इनके साथ सहयोग करना और एसोसिएट होना इटसेल्फ बहुत बड़ी बात है. एंड इट स्पीक्स वॉल्यूम्स कि इनमें कितना हिडन टैलेंट है, और वो टैलेंट अब निकलने का समय आ गया है. और मैं यही विश करूँगा कि भाई इनका बहुत बड़ा नाम हो और बहुत सक्सेस मिले लाइफ में. सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी, मैं प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ, तो मैंने कभी ये मीडिया फेस नहीं किया, तो इफ आई गो रॉन्ग प्लीज़ पार्डन मी. चांद का मैंने, हम लोगों साथ में ही रहते हैं, और मैंने इसका देखा होगा, ये हर साल जैसे डेडिकेट करती है कृष्णा जन्माष्टमी में भगवान को कंपोजिशन. सो ऑलवेज कंपोज करने के बाद वो मुझे ज़रूर सुनाती कि मैंने इस साल ये कंपोज किया है. तो 2019 में जब इसने मुझे सुनाया था, तो ये गुनगुनाते हुए सुनाया था, कहते सब हैं यहाँ रहते हो तुम कहाँ. एंड द मोमेंट उसने सुनाया, उसी समय, वैसे तो मैं राइटर नहीं हूँ, लेकिन कृष्णा भगवान की प्रेरणा से मेरे अंदर उसी समय आती गई लाइनें, और हम लोग ने उसी समय बैठे बैठे लिखते गए, और वो फाइनल कंप्लीट किया कंपोजिशन. सो आई लव द वे शी प्रेज गॉड, या इनके जो भाव हैं उनके साथ रह रहे के मुझे भी लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं भक्ति जो है तो मैं इनके साथ ही सीखती हूँ कि क्या भगवान है और कैसे. एंड सेकेंडली, जब हमने ये सोचा था कि सॉन्ग लेके आएंगे भजन, तो उस समय हमारे दिमाग में सिर्फ अनूप सर ही थे. और बाय गॉड्स ग्रेस और राजेश भाई के हेल्प से, और सर की को रियली हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि उनकी कृपा से ये सॉन्ग उन्होंने ही गाया है. तो रियली आई एम ब्लेस्ड एंड थैंकफुल टू अनूप जी, राजेश जी एंड चांद जी टू गिव मी द अपॉर्चुनिटी टू राइट अ सॉन्ग. एंड वी लेकिन देर बोलते ना, देर से बोलते भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, तो वैसा चांद के साथ में है कि आज इनको भला देर से सफलता मिली है, लेकिन सफलता मिली है. आज जो इन्होंने गाना गाया है, अनूप जी ने जब ये गाना गाया, अनूप जी पहले रिकॉर्डिंग पे बोला था सुपर हिट सॉन्ग है. उसके बाद में जब वीडियो बन के आया, तो अनूप जी ने वो वीडियो अनूप जी को अच्छा नहीं लगा. अनूप जी ने बोला कि मैं इसको रीशूट करना चाहते हैं. तो चांद को थोड़ा सा प्रेशर था कि यार कैसे होगा कैसे होगा. मैंने इनसे एक शब्द बोला कि भगवान, जुलाई की बात होगी ये, जून की बात होगी, जब मेरे ऐसा होता है ना, रात को सोने से पहले बहुत ख्याल आते हैं, तो ख्याल आया कि हरी बोल रिलीज करेंगे. तो मेरी सिस्टर साथ में थी, तो मैंने पूछा कौन होंगे मेल लीड सिंगर. एक बहुत बड़ा भक्त हूँ भोलेनाथ का, और तीसरी से आप लोगों ने मेरे भजन सुने ही होंगे, काफ़ी भजन, और कुछ भजन मैंने अनूप जी के साथ भी किए थे, और मेरे आज तक 25-30 साल से चल रहे हैं. तो भजनों का मैं भी कहीं ना कहीं एक वाबस्ता हूँ, मतलब मेरे जीन्स में ही हैं. मगर मैंने कई सालों बाद में, मेरे एज ए कंपोजर होते हुए भी कई सालों बाद में, मुझे पहली बात तो ये चांद जी ये नहीं लगे कि पहला गाना आपका, फिर प्लस अनूप जी का तो है ही कि अनूप जी जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं वो वैसे ही सोना हो जाती है. पर जो चांद जी ने कंपोज किया, और पुष्पा जी ने, चांद जी ने जो लिखा गाना, क्योंकि इसमें आप देखिए ज़्यादा शब्दों का हेर फेर नहीं है, मगर इसमें जो धुन उन्होंने बनाई है, हरी बोल जो आपने रखी, हरे कृष्णा जो भी है, वो एक ऐसा है कि वो आप आदमी उसमें मंत्र मुग्ध हो जाता है. तो मैंने उपमा यही दी थी कि जैसे कि हरे कृष्णा हरे, शायद पूरे पश्चिम में थी वो, आज भी धुन हमें याद है, या ऐसी लागी लगन अपने सर की अभी भी याद है. उसी तरीके से ये गाना जो है हमारा, अरे इतना चलेगा हरी बोल. मैं समझता हूँ, देखो बेटा एक बात बताऊँ, हरे कृष्णा मंदिरों में तो मिलेगा ही मिलेगा हरे कृष्णा जी के. आप देख रहे हैं
सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।